बिहार में ये दर बिल्कुल आधी है, यानी कि बिहार में अपराध संज्ञा अपराध की जो अपराध दर है प्रति लाख जनसंख्या पर 228 है। अगर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की हम तुलना करें तो बिहार का जो हमारा स्थान है वो 24वां है, अर्थात 23 राज्यों में अपराध हमसे ज्यादा है और बिहार ऊपर से जो क्रम है उसमें हमारा 24वां स्थान। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। बिहार में महागठबंधन की अब सरकार बन चुकी है, ऐसे में बीजेपी अपोजिशन में है और लगातार बढ़ते अपराध को लेकर बीजेपी ने सवाल खड़ा किया था। आपको बताएं कि इसको लेकर आनन फानन में बिहार पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और उसमें साफ साफ बिहार पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने ये कहा है कि एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार बिहार अब 24वें स्थान पर है आपराधिक मामलों में। आपको बताएं कि जिस तरीके से बिहार में आपराधिक मामले बढ़ते जा रहे थे उसको लेकर बीजेपी लगातार सवाल खड़े कर रही थी, मगर अब बिहार पुलिस मुख्यालय के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया है और जिसको लेकर अब ये बातें सामने आ रही है कि ऑपरेशन प्रहार के तहत जिस तरीके से जो भी अपराधी फरार चल रहे थे गंभीर आरोप में उनको अब गिरफ्तार किया जा रहा है और कहीं ना कहीं इसकी असर जो है वो साफ तौर से बिहार में देखी जा सकती है। सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं कि बिहार पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार इस पूरा रिपोर्ट को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। कुछ विशेष बिंदुओं पर अपनी पुलिस मुख्यालय की ओर से अपनी बात रखना चाहता हूं। बिहार राज्य में कानून का शासन बनाए रखने, अपराध पर नियंत्रण करने, शांति व्यवस्था बनाए रखने, विधि व्यवस्था का संधारण करने, असामाजिक अराजक और अपराधी प्रवृत्ति के लोगों की गतिविधियों पर लगाम लगाए जाने की लगातार प्रक्रिया की जा रही। इस राज्य में जो अपराध के आंकड़े हैं उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। और इधर पिछले 6 महीने से हम लोगों ने एक विशेष अभियान चलाया है जिसका नाम ऑपरेशन प्रहार रखा। उस ऑपरेशन प्रहार के 2 कंपोनेंट हैं, उसमें एक वज्र की टीम बनाई गई है जो कि युवा पुलिस पदाधिकारियों की टीम है और उसके द्वारा पूरे जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में कैंप कर चिन्हित अपराध कर्मियों की सूची के आधार पर गिरफ्तारी की जाती है। यह गिरफ्तारी थाना के द्वारा जो गिरफ्तारी के प्रयास हैं उसके अलावा होती है और यह चिन्हित लोगों की सूची पुलिस अधीक्षकों के द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा उस वज्र टीम को उपलब्ध कराई जाती है, उसके आधार पर उनकी गिरफ्तारी की जाती है। इसमें चिन्हित अपराधों में हम लोगों ने प्रमुख शीर्ष जो रखे हुए हैं जो इस वज्र टीम के द्वारा हम लोग गिरफ्तारी कराते हैं उसमें हत्या, पुलिस पर हमला, हत्या का प्रयास, अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम के संबंधित अपराध एवं अन्य विशेष प्रतिवेदित और गंभीर कांडों के अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी कराते हैं। जनवरी से लेकर जुलाई तक जो 7 महीने गुजरे हमारे, उस 7 महीनों में जो औसत गिरफ्तारी थी वह 5,997 गिरफ्तारी इस विशेष टीम के द्वारा पूरे राज्य में की जाती थी, लगभग 6,000। इधर अगस्त माह में हम लोगों ने पुनः उसके निर्देश दिए, जैसा आप लोगों को पता है प्रत्येक मंगलवार को और कभी कभी शुक्रवार को भी हम लोग पुलिस अधीक्षकों के साथ में बैठक करते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, उसमें रेंज के DIG और IG रहते हैं। तो अगस्त महीने में ये गिरफ्तारी जो 7 महीनों की औसत गिरफ्तारी थी 5,997 अर्थात 6,000, वह बढ़कर 8,301 हो गई है और इस प्रकार से 38% की गिरफ्तारी में वृद्धि हम लोगों ने अगस्त माह में की। मसलन हत्या में जनवरी से जुलाई तक 3,464 अपराध कर्मी, पुलिस पर हमला के 2,394, हत्या के प्रयास में 9,386 मामलों में, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम के अंतर्गत 2,589 घटनाओं में और अन्य जो गंभीर अपराध हैं जिनको कि हम लोग SR केस कहते हैं, स्पेशल रिपोर्ट केस है, उसमें 24,150 गिरफ्तारी की गई थी। कुल 41,983 गिरफ्तारी की गई थी जिनका औसत 7 माह का 5,997 था। इस माह में जैसा आपको बताया ये बढ़कर के 8,301 हो गई है। हर हेड में गिरफ्तारी में वृद्धि हुई है, जैसे हत्या में अगस्त माह में 570, पुलिस पर हमला में 339, हत्या के प्रयास में 1,889, अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम में 561, अन्य विशेष प्रतिबंधित कांडों में 4,942 गिरफ्तारियां हुई। इसके अलावा
और भी गिरफ्तारी हुई है पूरे राज्य में, जिनका की आंकड़ा मेरे पास में उपलब्ध है, मैं आपको प्रेस नोट के माध्यम से उपलब्ध कराऊंगा। इसके अलावा जो जिलों की गिरफ्तारी है, जो अन्य थानाओं की गिरफ्तारी है, उसका अगर हम अवलोकन करें तो जुलाई माह में जहां वज्र टीम के द्वारा 41,983 गिरफ्तारी की गई थी, पूरे राज्य की गिरफ्तारी है 1,57,735। इसमें 4,980 हार्डकोर अपराधी और 119 नक्सली भी शामिल हैं। ये मैं रिपोर्ट आपको देना चाह रहा हूँ। अब दूसरी रिपोर्ट जो अभी हाल में राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो अर्थात NCRB का जो पूरे देश का राज्यवार आंकड़ा निकला है, उसमें मैं बिहार राज्य की स्थिति के बारे में क्राइम इन इंडिया 2021 की रिपोर्ट में जो आंकड़े हैं उस आंकड़ों के आधार पर बिहार राज्य में अन्य राज्यों की तुलना में अपराध किस तरीके से कम है, ये मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। NCRB के द्वारा रिपोर्ट जो जारी की गई है, चूँकि अलग अलग राज्य की जनसंख्या अलग अलग है, अतः वह कुल अपराध के आंकड़ों को 1,00,000 जनसंख्या से भाग दे करके जो संख्या बनती है उसको कहते हैं अपराध दर, यानी कि अपराध की संख्या 1,00,000 जनसंख्या पर, तो उससे कि बड़े राज्य और छोटे राज्यों का कंपैरिजन आसानी से हो जाता है। बिहार में कुल संज्ञेय अपराध की दर जो है वो राष्ट्रीय अपराध की दर जो पूरे देश का एवरेज है उससे बहुत कम है। पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जो संज्ञेय अपराध है यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है अर्थात जिसमें FIR दर्ज होती है, ऐसे सभी अपराधों की दर पूरे देश में 445.9 यानी कि 445.9 है और बिहार में ये दर बिल्कुल आधी है, यानी कि बिहार में अपराध संज्ञेय अपराध की जो अपराध दर है प्रति लाख जनसंख्या पर 228। अगर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की हम तुलना करें तो बिहार का जो हमारा स्थान है वो 24वां है अर्थात 23 राज्यों में अपराध हमसे ज़्यादा है और बिहार ऊपर से जो क्रम है उसमें हमारा 24वां स्थान है। तो इस प्रकार से कुल जो FIR है प्रति लाख जनसंख्या पर उस पर हमारा 24वां स्थान है। उसके अलावा जो गंभीर अपराध, ये टोटल FIR की बात हुई, जो गंभीर अपराध हैं जैसे हत्या, दहेज हत्या, बलात्कार, फिरौती हेतु अपहरण जैसे कांडों में हमने 2020 की तुलना में 2021 में और इम्प्रूवमेंट किया, और इम्प्रूवमेंट के जो कंपोनेंट है वो इसलिए कि हमने वज्र टीम बनाई और लगातार हम लोग जो प्रत्येक सप्ताह जो वीकली मॉनिटरिंग हम लोग करते हैं SP की और उनके माध्यम से थानों की निगरानी की व्यवस्था है उसके कारण कमी आई। कुल दंगा जो राइटिंग के केसेस हैं उसमें भी 2021 में काफ़ी कमी आई है। मैं आपको केवल आंकड़े बताना चाहता हूं। जितेंद्र सिंह गंगवार ने साफ साफ कहा है कि बिहार में आपराधिक घटनाएं अब धीरे धीरे कम होती हुई नजर आ रही है और जो NCRB रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करें तो NCRB रिपोर्ट में बिहार 24वें स्थान पर है आपराधिक मामलों में देश में। और आपको बताते चले कि जिस तरीके से भाजपा के द्वारा लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे और उसके बाद अब बिहार पुलिस मुख्यालय के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और साफ साफ ये कहा गया कि अब बिहार में आपराधिक मामले कम हो रहे हैं, जो फिरौती के मामले थे उस पर भी इजाफा देखा जा सकता है, आपराधिक मामलों में साफ तौर से कमी देखी जा सकती है, हत्याएं कम हो रही है। पहले अब देखने वाली बात होगी कि BJP के द्वारा इस पर क्या कुछ बयान सामने आता है। इस खबर में बस इतना ही। अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो Facebook पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।